कुरुक्षेत्र मात्र एक शहर नहीं है बल्कि 48 कोस के अंदर ये सारा जो रण क्षेत्र था उसमें आज भी ऐसे बहुत से प्रसिद्ध स्थान हैं जिनके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि ये महाभारत काल में या इतिहास के पौराणिक काल के अंदर वेदों के समय के ऐसे प्रसंग इनके साथ जुड़े हुए हैं। उन सब तीर्थ स्थानों के ऊपर कुछ न कुछ आज भी समाज के लोग अपने अपने विश्वास के हिसाब से कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछले दिनों में मैंने भी इस क्रम को शुरू किया, 3 दिन लगातार अलग अलग जिलों में 12-14 स्थानों के ऊपर एक एक दिन मैं होके आया। एक दिन कुरुक्षेत्र जिला में गया, एक दिन करनाल जिला में गया, एक दिन जींद जिला में गया, तो ऐसे लगभग 35-36 स्थानों के ऊपर मेरा स्वयं का भ्रमण होना शुरू हुआ है। उन तीर्थों को विकसित करना ये इसके पीछे की धारणा है। तो इस बार का जो गीता जयंती का कार्यक्रम है उनकी तिथियाँ जैसे हर वर्ष निश्चित तिथि होती है, तो 7 तारीख को हमारा ये गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें मुख्य रूप से 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 5 दिन बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। 7 तारीख से तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और सरस मेला ये शुरू होगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो शिल्पकार हैं वो अपने अपने हिसाब से शिल्पकारों का जो संगम इस उत्सव की जो छटा बिखरेगा उस नाते से इसमें वो 4 चांद लगाएंगे और एक आकर्षण का ये विषय होगा। इसके बाद 13 तारीख से सबसे पहले दिन जो 5 दिनों का मुख्य कार्यक्रम है उसमें गीता यज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी इसका शुभारंभ होगा।